कल से गोवा में शुरू होगा ब्रिक्स समिट। रूस के साथ 39,000 करोड़ के रक्षा सौदों पर होंगे दस्तखत। मिसाइल टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर और सबमरीन खरीदेगा भारत। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में सरकार। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस और चीन समेत कई देशों को दिए जा सकते हैं सीमा पार आतंकवाद के सबूत। इन्फोसिस के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर। कंसोलिडेटेड मुनाफा 5% और आय 3% बढ़ी। गाइडेंस के मोर्चे पर निराशा। इन्फोसिस ने डॉलर और रुपए दोनों गाइडेंस को घटाया। सीमित दायरे में हुआ शेयर बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 30 और निफ्टी 10 अंक की चढ़कर बंद। तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने टावर कारोबार बेचा। ब्रुकफील्ड के साथ किया करार। डील के जरिए रिलायंस कम्युनिकेशन को मिलेंगे 11,000 करोड़ की रकम। इसका इस्तेमाल कर्ज भुगतान में करेगी रिलायंस कम्युनिकेशंस। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई दर के मोर्चे पर राहत। सितंबर में होलसेल महंगाई दर 4.25% से घटकर 3.57%। प्राइमरी आर्टिकल और खाने पीने की महंगाई सबसे ज्यादा घटी। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से घबराया हिंदुस्तान यूनिलीवर। पेटेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी ने जारी की चेतावनी। कारोबार में मंदी का सताया डर। मुलायम सिंह ने पार्टी और परिवार में कलह से फिर किया इनकार। कहा अगले साल चुनाव जीतने पर विधायक ही तय करेंगे अगला सीएम। हरियाणा के हिसार में अग्रोहा धाम मेला। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के मौके पर जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग। 33 सांसद और 110 विधायक भी होंगे शामिल।